धड़े मिलने के बाद भी मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट आपकी चॉइस क्यों ना बनी रजा? ये सब हमारे दोस्त हैं, कुछ हमारे सीनियर हैं, कुछ हमारे जूनियर हैं, लेकिन सब हमारे दोस्त हैं, हमारे साथ काम किया हुआ है। इन्हीं लीडरान ने अलहदा अलहदा धड़ों में खड़े होकर अपने आप को साबित करने की कोशिश की, मनवाने की कोशिश की, इलेक्शन जीतने की कोशिश की, नाकाम है। उनके फेलियर की वजह से जब वो सारा फेलियर इनको नजर आया तो ये तीन धड़ों का फेलियर, इनकी लीडरशिप का पॉपुलर मैंडेट हासिल करने का फेलियर एक जगह जमा करके एक बड़ा फेलियर की शक्ल में सामने आया। आपको याद होगा, ये सब आपके प्रोग्राम में बात कर चुके हैं, कैरिश्मा नहीं है, विजन नहीं है, लीडरशिप का जो एक पॉलिटिकल विजन होना चाहिए वो नहीं है। फिर जो इन लोगों को जो ऑलरेडी जुड़े हुए थे इन धड़ों के साथ, ऐसे बहुत से नाम मैं ले सकता हूं लेकिन एतरामन नहीं लूंगा, जो अब इनके साथ नजर नहीं आते, घर बैठ गए। 87 से आज इतने बरस गुजर जाने के बाद भी इनके इनके जो डिमांड्स हैं लसानियत की बुनियाद पर आज भी हल नहीं हुए, तो ये तो इनकी पूरी अपनी नाकामी का एतराफ कर रहे हैं ना। और ये सब इनको बातें इलेक्शन से चंद माह पहले महाजनों के नाम पर या कराची के नाम पर वोट मांगने के लिए याद आती हैं। पिछला 5 साल दौर ना दिया इस एमकेएमपी ने, गवर्नमेंट में नहीं गुजारा। 3.5 साल इन्होंने पीटीआई के साथ विफाकी हुकूमत का हिस्सा नहीं रहे। क्या उसके बाद बाकी के 1.5 साल ये पीडीएम और पीपल्स पार्टी की हुकूमत का हिस्सा नहीं रहे, तो कब ऑपोजिशन में रहे हैं मुझे बताएं ना। 5 साल में अपने कौन से दीरीना मसाइल का, एक सेंसस का जो इशू था दैट हैज ऑल्सो नॉट बीन रिजॉल्व टू दी एक्ट ऑफ फैक्चुअल काउंट ऑफ द सिटी, तो कब करेंगे? अच्छा, कैसे करेंगे? ये सब बड़े बड़े सवालिया निशान है इनके साथ। मैं इस एमकेएम को वो एमकेएम समझता ही नहीं, तो ये तो एमकेएमपी है ना, ये तो एमकेएम नहीं है। इससे पहले तो कभी एमकेएम के साथ पी सी डी ई नहीं लगा था, अपने कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट करके उसको नई शक्ल दे दी, तो ये तो खुद कहते हैं कि नई पार्टी है, तो एक नई पार्टी है। इसमें कुछ सीनियर लोग भी हैं, फारूक सत्तार साहब जैसे, अनीस कायम खानी जैसे, खालिद मकबूल सिद्दीकी जैसे, ये लोग सीनियर लोग हैं, इन्होंने बड़ी सियासत की है, बड़े पिछली एमकेएम के साथ बड़ी वाबस्तगी रही है। तो आई विश देम ऑल 3 ऑफ देम द बेस्ट ऑफ लक।